गाइस मैं हूं विशाल और गाइस आज हम यहां पर दो लाइफ हैक बनाने वाले जो कि हर एक किसी की लाइफ में काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप मुझे लाइक जरूर करके जाओगे। ये लाइफ हैक हर एक बंदे के बहुत ज्यादा काम आने वाले, तो फटाफट से चलते स्टूडियो के अंदर और देखते इसको मैंने कैसे बनाया। यहाँ पर सबसे पहले एक मेल कनेक्टर लूंगा मैं, अब यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे, दो वायर लेंगे, यहाँ पर एल्यूमिनियम का वायर यूज कर रहा हूँ मैं ताकि मजबूत रहे, थोड़ा कड़क रहना चाहिए, और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं एल्यूमिनियम का वायर लेंगे जो कि यहाँ पर कड़क होना चाहिए, अब इसको कट कर लेंगे। सेम साइज के यहाँ पर दो वायर यहाँ पर लूंगा मैं, सेम साइज के यहाँ पर दो वायर लेंगे और इस पिन के साथ में कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है और इसको बंद भी कर दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तीन इस टाइप की फीमेल पिन से लेनी होगी, इन तीनों को भी यहाँ पर ओपन कर देंगे। अब यहाँ पर चार वायर लेने होंगे इस टाइप के जो कि लचीले होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने इन सभी को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास इस टाइप के चार वायर है जो कि आप देख सकते हो, पतले वाले हैं वायर है और ये थोड़े मुड़ भी सकते हैं इस टाइप के, ठीक है। अभी इन चारों के मैंने आगे से मुंह को छील लिया है और दो दो के यहाँ पर पेयर बना लेंगे, दो वायर को हम इस टाइप से लेंगे और यहाँ पर आपस में इस टाइप से आटे लगा देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा एक लग चुका है और दूसरा वाला देख सकते हो इसके अंदर भी मैं लगा देता हूँ, ये मैंने इसके अंदर लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास देखो दो वायर यहाँ पर इस टाइप के हो चुके हैं और दो इधर की साइड में हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी एक पिन लेंगे और पिन के अंदर यहाँ पर इन दोनों को एक साथ इस टाइप से कनेक्शन कर देंगे। तो फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी वायरिंग कर दी, यहाँ पर देख सकते हो दो वायर तो हमारे इस वाले पॉइंट में लगे हुए हैं और ये दो वायर जो इस वाले पॉइंट के अंदर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक वायर इधर का लेना है और एक वायर इधर का लेना है, ठीक है। तो ये हमारे दो वायर इधर की साइड में हो चुके हैं और एक वायर इस पॉइंट का और एक वायर इस पॉइंट का, दोनों को हम इस टाइप से मिला देंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो दो पॉइंट यहाँ पर हो चुके हैं, अब यहाँ पर इसको पैक कर देंगे। अब हमारे पास दो वायर इधर की साइड में, दो वायर इधर की साइड में, तो हमें क्या करना होगा, एक पिन इधर की साइड में लगा देंगे, एक पिन इधर की साइड में लगा देते हैं। फटाफट से इनकी वायरिंग कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर दोनों को मैंने कनेक्शन कर दिया है, अब यहाँ पर इसको इस टाइप से रखेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक मेल पिन बनाई थी। अब इसके अंदर मैंने दो वायर निकाले थे, आप डायरेक्टली यहाँ पर दोनों वायर को इस टाइप से कनेक्ट कर सकते हो या फिर जैसे मैं आपको दिखाऊंगा उसी टाइप से भी आप कनेक्शन कर सकते हो, लेकिन जैसे मैं करूंगा ना उस टाइप से आपको कनेक्शन करना है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दोनों जो है फेज के अंदर नहीं लगाना है, दोनों फेज या दोनों न्यूट्रल के साथ में नहीं लगाना है, वरना जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो ये दोनों हमारे फेज है, दोनों न्यूट्रल है, तो आपको ध्यान रखना होगा कौन सा वायर कहाँ का है। अगर आपको नहीं पता तो मल्टीमीटर से चेक कर लेना फिर लगाना, अगर यहाँ पर अगर दोनों में एक ही में लग गया तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, घर की वायरिंग जल सकती है। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आती वायरिंग तो दोनों को एक साथ लगा सकते हो यहाँ पर, या फिर दोनों को साइड यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमारा पूरा कनेक्शन हो चुका है और यहाँ पर देखते हो हमारा जो मेल कनेक्शन है इसके अंदर से दो वायर निकले और यहाँ पर हमने जो एक वायर इधर की साइड में लगाया, एक इधर की साइड में लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करा है, दो वायर जो लिए थे यहाँ पर, इसका कनेक्शन इसमें दिया और इसका कनेक्शन इसमें दिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देख सकते हो हम मेन बोर्ड के अंदर इसको लगा सकते हैं और ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड बन चुका है। मतलब बोर्ड नहीं बना, ये लीड है, एक्सटेंशन आप कहीं भी ले जा सकते हो। अगर मान लीजिए आप कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे हो या फिर कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, वहाँ पर क्या होता है एक ही हमारे मोबाइल को चार्ज लगाने के लिए ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर एक के अंदर आप जो है तीन मोबाइल लगा सकते हो या फिर कोई भी तीन चीज चला सकते हो या फिर इसकी जगह पर आप जो है चार पिन भी लगा सकते हो,
लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो, मोबाइल को चार्ज कर सकते हो, पावर बैंक को चार्ज कर सकते हो, किसी भी चीज को लगा सकते हो। अभी मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखो हम जब भी वीडियो बनाते हैं ना, तो हमें क्या है, बहुत सारी मशीनों का एक साथ काम करना होता है, जैसे सोल्डरिंग आयरन को भी चलाना होता है, साथ ही में ग्लू गन से किसी चिपकाने के लिए इसको भी चालू करके रखना पड़ता है ताकि ये गर्म हो गया, हमारा जो ग्लू है उसको थोड़ा गर्म कर सके, और साथ ही में कटिंग करने के लिए कोई मशीन हुई, ग्राइंडर हुआ, किसी को भी चीज को चलाना होता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक ही बोर्ड है, तो हम यहाँ पर बस सोल्डरिंग आयरन को लगा सकते हैं, मशीन को लगा सकते हैं, या फिर हमारे जो है ग्लू गन को लगा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लगाए एक पिन को, अब यहाँ पर तीन पिन बन चुके हैं। एक के अंदर यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन लगा देंगे, दूसरे के अंदर हमारे मशीन का पिन लगा देंगे, और चौथे के अंदर यहाँ पर लगा देंगे ग्लू गन। तो देखो अब यहाँ पर तीनों के अंदर पावर आ चुका है। देखो सोल्डरिंग आयरन भी हमारे चालू हो चुका है, यहाँ पर डिस्प्ले में आपको दिख चुका है, और ये अभी गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। अभी मशीन जो है ये चालू हो चुकी है देखो, और इसी के अंदर जो है ग्लू गन जो है ये भी चालू हो चुका है, ये गर्म होने लगा धीरे धीरे। और यहाँ पर देख सकते हो हमने एक ही बोर्ड के अंदर यहाँ पर तीन पिन हम लगा दिए इस टाइप से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि हर एक बंदे का स्क्रीन टाइम अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा हो, जिसकी वजह से आंखों का दर्द, सिर दर्द और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए अगारो का आई मसाजर सुप्रीम में लेके आया हूँ। इसके अंदर एक यूजर मैनुअल, आई मसाजर और एक यूएसबी पिन मिलती है जो इसको चार्ज करने में काम आएगी। ये आई मसाजर फोल्डेबल होने की वजह से काफी कम जगह के अंदर आ जाता है, और दूसरी बात कि इससे जो है किसी भी टाइप का सिर होगा, छोटा या फिर बड़ी साइज का, वो आराम से सेट हो जाएगा। पीछे साइड में एक स्ट्रेचेबल हेडबैंड दिया गया है। इसके अंदर आपको साइड में चार बटन मिल जाते हैं, एक पावर ऑन ऑफ के लिए, एक हीट एडजस्टमेंट के लिए, एक एयर प्रेशर एडजस्टमेंट के लिए, और एक म्यूजिक के लिए। जैसे आप इसको चालू करते हो, इसके अंदर से आपको एक म्यूजिक सुनाई देगा, और इसको मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप चेंज भी कर सकते हो। इसके अंदर आपको पांच मोड मिल जाते हैं, जिसकी डिटेलिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, और इसको यूज करना काफी सिंपल है, बस इस टाइप से हमें लगाना है। बटन के द्वारा आप यहाँ पर इसका कंप्रेशन प्रेशर को कम ज्यादा कर सकते हो, बंद कर सकते हो। बटन के साथ ही आप इसकी हीट को कम ज्यादा या फिर बंद भी कर सकते हो। कंप्रेशन प्रेशर आप देख सकते हो, ये जो हमारे आंखों को काफी अच्छी तरीके से मसाज करता है। इस मशीन को यूज करके आप अपने आंखों का डार्क सर्कल हटा सकते हो, आंखों से जुड़ी प्रॉब्लम को हटा सकते हो, या फिर सिर दर्द को भी हटा सकते हो। ये प्रोडक्ट उनके लिए बेस्ट है जो कि दिन भर स्क्रीन के सामने बैठकर काम करना पड़ता है, या फिर कोई स्टूडेंट है जिनको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उनके लिए ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से परचेस कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पर एक मेल कनेक्टर लेंगे, एक फीमेल कनेक्टर लेंगे, और यहाँ पर आप देखते हो ये हमारा बल्ब होल्डर जो कि 10 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाएगा, और ये 10-10 रुपए की दो जो है आपको मिल जाएगी 20 रुपए के अंदर, 30 रुपए का यहाँ पर हमारा एक पूरा कंप्लीट सेट हो जाएगा। पहले लाइफ हैक बनाने के लिए इन तीनों का हमें कनेक्शन करना होगा, इसके लिए यहाँ पर तार की जरूरत पड़ने वाली है। अब इनका कनेक्शन करने के लिए मैं इस टाइप का एल्यूमिनियम वायर का यूज करूंगा। ये जो वायर होता है थोड़ा मजबूत होता है, कड़क भी होता है, और देख सकते हो इसके अंदर जो एल्यूमिनियम का वायर निकला हुआ है। आप कोई दूसरा वायर भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो वायर है ना थोड़ा कड़क रहेगा, पूरा शेप ले लेगा, और आपको समझाने में भी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर मैं तीन इसके अंदर से वायर कट कर लूंगा, सेम आकार में मैंने तीन पीस कट कर लिए। अब इनके जो मुंह है इनको छील लेते हैं। अब इन दोनों को हमें खोलना होगा, तो फटाफट से मैं इनको खोल देता हूँ। हमारा एक पिन यहाँ पर खुल चुका है, इसी टाइप से दूसरा वाला भी मैं ओपन कर लेता हूँ। और जब तक मैं इसको ओपन करता हूँ, आपको एक काम करना है कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताना, आपके गांव का नाम क्या है, आपकी सिटी का नाम क्या है, और आपका नाम क्या है, कमेंट करके बताओ फटाफट। और साथ ही में बल्ब होल्डर है ना, इसको भी ओपन कर लेंगे। अब देखो हमारा जो मेल वाला पिन है ना, इसको हम यहाँ पर खोल लेंगे, बाहर की साइड में निकाल लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, दो वायर जो है इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे इस टाइप से, और सभी के अंदर दो दो नहीं करना है, यहाँ पर ये जो है इनका आपस में कनेक्शन होगा जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले दो वायर जो है इसके अंदर हम लगा देंगे। और अब यहां पर इसको पैक कर देंगे। अब देखो यहां पर हमने जो मेल पिन के अंदर दोनों वायर को लगा दिया है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप से मोड़ देंगे एक वायर को, और यहां पर हमारा जो फीमेल पिन है, इस फीमेल पिन को हम यहां पर इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, इसका जो एक ही वायर इसके साथ में कनेक्ट करना होगा, दोनों वायर को कनेक्ट नहीं करना है। जो दूसरा वाला पिन है ना, यहाँ पर दूसरा एक और जो एक्स्ट्रा वायर पड़ा हुआ है हमारा, ये यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे। अब इस पिन को भी यहाँ पर पैक कर देते हैं। अब देखो फाइनली यहाँ पर फिट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो इसके अंदर हमने दो वायर कनेक्ट कर रहे थे, उसका एक वायर तो यहाँ पर लगा हुआ है, और एक वायर इसके अंदर लगा दिया है, और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा वायर था उसको यहाँ पर लगा दिया है। अब ये वाला एक यहाँ पर बच चुका है, एक इसका बच चुका है, तो यहाँ पर दो वायर निकल चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा जो बल्ब होल्डर है इसके साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। तो
फाइनली हमारा कनेक्शन पूरा हो चुका है। एक बार आपको कनेक्शन समझा देता हूँ। हमारा मेल वाला जो है इसके अंदर दो वायर कनेक्ट कर रहे थे, एक वायर जो हमने यहाँ पर इसके अंदर लगा दिया है हमारे होल्डर के अंदर, और दूसरा वायर जो है फीमेल के अंदर लगा दिया है। अब फीमेल के अंदर जो एक और एक्स्ट्रा लगाया था उसको वायर को हमने लेकर यहाँ पर इसके साथ में कनेक्शन कर दिया है। 100 वाट का बल्ब लेंगे और यहाँ पर बल्ब होल्डर के अंदर लगा देंगे। अब यहाँ पर एक नॉर्मल सा बोर्ड लेंगे जिसमें हम यहाँ पर मोटर वोटर चलाते हैं, हमारी जो कटर मशीन चलाते हैं सब कुछ चलाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस टाइप से लगा देंगे। ये गिरने से यहाँ पर टूट गया तो इसको इग्नोर करना यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने एक मेल पिन लिए जिसके अंदर यहाँ पर इस टाइप से वायर कनेक्ट कर दिया और दोनों को यहाँ पर इस टाइप से बाहर के साइड में छील लिया। अब यहाँ पर हम फीमेल के साथ में इसको इस टाइप से अटैच कर देंगे। अब इन दोनों वायर को हम इस टाइप से टच करेंगे तो हमारा 100 वाट का बल्ब चालू हो जाएगा। तो ये हमारा बन चुका है सीरीज टेस्टर। अब देखो, आप सभी को पता है कि सीरीज टेस्टर किस काम में आता है। यहाँ पर हमारे जो कूलर की मोटर हुए, फंके हुए, यहाँ पर इनकी वाइंडिंग की जाती है, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हमारे पास एक ग्राइंडर है, इसको मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ सबसे पहले, और अब यहाँ पर इसको चेक करते हैं कि हमारा ये जो है ऑन है या फिर नहीं है। देखो अभी जो है हमारा इसके अंदर से हमिंग की आवाज़ आ रहा है और यहाँ पर हमारा 100 वाट का बल्ब धीरे धीरे जल रहा है, मतलब ये चालू है। और यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के साथ में करंट तो नहीं आ रहा। जैसे मैं यहाँ पर एक वायर यहाँ पर लगाऊंगा, दूसरा वायर बॉडी के साथ में लगाऊंगा, तो देखो हमारा बल्ब नहीं चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमारी बॉडी के साथ में करंट नहीं आ रहा है। अब देखो, एक वायर यहाँ पर लगा दूंगा मैं और दूसरा वायर बॉडी के टच करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो बॉडी अर्थ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इसको चलाने पर कोई भी करंट का झटका नहीं लगने वाला है हमारा। और दूसरे वायर के साथ भी इस टाइप से टच करके देख लेंगे तो देखो यहाँ पर भी बॉडी अर्थ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो हमारा जो ये ग्लाइंडर सेफ है। देखो अभी हमारा जो है ये देखो इसके अंदर हमिंग की आवाज आ रहा है, चल नहीं रहा है, लेकिन ये ओके। तो फाइनली गाइज, आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और गाइज ये जो आइडिया है आपको कैसा लगे वो भी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।